दोस्तों अभी से समझो थोड़ा ध्यान से। ये जो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। पहले मैं इसको एक बार रीड करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। देखो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दरबार उसके दर बादशाह उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों यानी राजा और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधि अर्थात उलमा के बीच में तनाव बना रहा। अब ये देख लो कि यहाँ पे दो लोगों के बीच में तनाव है, एक है शासक यानी जो हमारे राजा हैं, दूसरी तरफ है जो हमारे रूढ़िवादी मुसलमान हैं, यानी जिनको हम इनके प्रतिनिधियों को हम उलमा भी कह सकते हैं, रूढ़िवादी मुसलमान। अब रूढ़िवादी कौन से होते हैं भाई लोग? रूढ़िवादी लोग वो होते हैं जो पुरानी बातों को मानते हैं, पुरानी चीज़ों को अपनाते हैं और पुरानी पुरानी चीज़ों को के पीछे पड़े रहते हैं, यानी रूढ़िवादी होते हैं। कि भाई जैसे मान लो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आप हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हो कि बिल्ली का ने रास्ता काटा तो ये क्या है, ये एक अपशगुन है। तो अगर आप इन चीज़ों को मान रहे हो तो ये एक रूढ़िवादी परंपरा है, कि पहले से ये एक अंधविश्वास था, लोगों के मन में मान्यता थी, वो चीज़ चलती आ रही है, आप भी उस चीज़ को मानते हो, तो ये रूढ़िवादी चीज़ें। तो ऐसे कुछ मुसलमान थे रूढ़िवादी, जो कट्टर थे, जो रूढ़िवादी थे, उनके प्रतिनिधि यानी उन लोग उन मुसलमानों का जो प्रतिनिधि होता था यानी उनका जो उनकी तरफ से जो बोलने वाला था उन्हें उलमा कहा जाता था। उनके और शासक के बीच में हो गया तनाव। क्यों हो गया तनाव? तनाव इसलिए हो गया क्योंकि ये जो रूढ़िवादी मुसलमान है इनका कहना ये है कि भाई पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं ये कुरान और हदीस को मानते थे, कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद जो हैं उनके जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है। इन्होंने ये बताया कि भाई इस्लाम में प्रतिबंध है। किन चीज़ों पे प्रतिबंध है? चित्र यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब को प्राकृतिक तरीके से अगर हम जीवित रूप में दिखाना चाहेंगे चित्रों के द्वारा तो ये क्या चीज़ें हैं, ये गलत है, ऐसा मानते हैं मुसलमान लोग, ये जो रूढ़िवादी हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं या इनसे रिलेटेड कोई चित्र नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बोलते हैं ये काम जो है केवल ईश्वर का है। अगर कोई इंसान उसका चित्र बना के उसको जीवित दिखाने की कोशिश करता है तो वो गलत है ऐसा। और लेकिन जो शासक थे वो तो क्या करते थे, वो अपने इतिवृत्तों में चित्र वगैरह बनाते थे, चित्र बनवाते थे। तो ऐसे में क्या था कि शासक जो थे उसको गलत नहीं मानते थे चित्र बनाना, लेकिन ये जो रूढ़िवादी मुसलमान थे वो इसको गलत मानते थे। कहते थे भाई कुरान शरीफ और इसमें ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं, इन चीज़ों को हम नहीं मानते। तो ये सारी चीजें थी। आप समझ गए होंगे मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, तो आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ो, इस पूरे को आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप इसे दो बार पढ़ो, दो बार में समझ में ना आए तो तीन बार पढ़ो और तीन बार में आपको समझ में आ जाएगा। ये पैराग्राफ आपको शुरू से लेकर नीचे तक पढ़ना है, बस ये था थोड़ा सा टफ। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे। देखो, समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया। शरिया जो था मुसलमानों को निर्देशित करने वाला एक कानून होता था। इसमें क्या आया? बदलाव आया। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपरा के ढांचे की अलग अलग तरीके से व्याख्या करी। प्राय ज्यादातर प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से ज्यादा मेल खाती थी। जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य का निर्माण हो रहा था उस समय कई एशियाई क्षेत्रों में शासकों ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्र तथा राज्य जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त करा। जिस टाइम पे शासन चल रहा था उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो राजा वगैरह थे उन्होंने क्या करा था, चित्रकारों को नियुक्त किया था। किस लिए नियुक्त किया था? ताकि वो वहां पे आके चित्रकारी कर सके। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता था कि जो राजा वगैरह होते थे वो ना इनको चित्रकारों को अपने यहाँ पे रखते थे, पैसा देते थे। अच्छा, वो क्या करते थे, अच्छे अच्छे चित्र बनाते थे और चित्रों के माध्यम से उनके बारे में जो जानकारियाँ फैलाते थे। ईरान के जो सफाई राजा थे उन्होंने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित यानी ट्रेंड उत्कृष्ट कलाकार जो कि मतलब बहुत अच्छे कलाकार हैं उनको संरक्षण प्रदान किया था, यानी उन्होंने अपने दरबार में उनको सारी सुविधाएं दी थी। बिजहाद, अगर आपको पता हो ये एक बहुत फेमस नाम है, क्या थे ये? एक चित्रकार थे, बहुत ही फेमस चित्रकार थे और बहुत ही अच्छे चित्रकार थे। तो बिजहाद जैसे चित्रकारों के नाम ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया, यानी उन्होंने इतने अच्छे चित्र बनाए जिससे कि इनके दरबार की जो प्रसिद्धि थी वो चारों ओर फैली। ईरान से भी कलाकार मुगल
मुगलकालीन भारत आने में सफल हुए कि बहुत सारे कलाकार थे जो ईरान से आए थे मुगलकालीन भारत में। कुछ को मुगल दरबार में लाया गया, जैसे मीर सैयद अली, अब्दुल समद। इनको बादशाह हुमायूं को समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया। अन्य ने संरक्षण, प्रतिष्ठा और अवसरों की तलाश में प्रवास किया, क्योंकि उन्हें पता था मुगल दरबार में उनकी चित्रकारी की बहुत वैल्यू है और वहाँ यहाँ पे इनको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, तो अक्सर यहाँ पे आते थे। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच जीवनधारी दृश्यों का निरूपण पर मुगल दरबार में तनाव बढ़ा, कि जब बादशाह और रूढ़िवाद, जब मतलब इसका मतलब यह कि जब बादशाह बहुत अच्छे चित्र बनवाते थे जिसमें कुछ चीज़ें अगर उनको लगता, मुसलमानों को लगता था कि ये भाई उनकी कुरान और इस चीज़ के खिलाफ है, तो वो उनके बीच में विचारधाराओं की लड़ाई हो जाती थी, यानी वो इन चीज़ को पसंद नहीं करते थे, उनके बीच में तनाव बढ़ा। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्धृत करता है, ये बताता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वे जीवन नहीं दे सकते। तो ऐसा कहा था अबुल फजल ने, जो मतलब चित्रकारों, जो मतलब चित्रकला से नफरत करते हैं, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये कहा है अबुल फजल ने। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से ये चीजें। अगला टॉपिक है अकबरनामा और बादशाहनामा। अकबरनामा और बादशाहनामा इसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासकारों में सबसे ज्यादा ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा इतिहास है, यानी अकबरनामा और बादशाहनामा जो है बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा चित्र वगैरह बने हुए हैं, बहुत अच्छे चित्र बने हैं और सबसे ज्यादा बने हैं। प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों की लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य, ये सारी चीजें बनी हुई हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। ये इनका पालन पोषण हुआ था आगरा में। वे अरबी, फारसी और यूनानी दर्शन और सूफीवाद में बहुत ज्यादा मतलब इनको नॉलेज थी, इस चीज का बहुत ज्ञान था। इससे भी अधिक वे एक प्रभावशाली विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक थे, यानी बहुत अच्छे चिंतक थे, बहुत गहराई से सोच सकते थे किसी चीज को। इन्होंने लगातार दकियानूसी उलमा के विचारों का विरोध करा। दकियानूसी उलमा का विचार, यानी जो कुछ रूढ़िवादी मुसलमान थे बोलते थे नहीं, चित्र में नहीं बना सकते, ऐसा नहीं दिखा सकते, ये परंपरा के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, जो ऐसी बातें करते थे, इनका इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस चीज का विरोध करा। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुए। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया। बादशाह का एक और मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादी के नियंत्रण से मुक्त करना था, क्योंकि धार्मिक जो रूढ़िवादी थी वो बहुत ज्यादा थी, और अकबर चाहता था कि ये जो ये रूढ़िवादी धर्म को लेकर परंपराएं चल रही है, इनको क्या करें, हटाएं हम यहाँ से। तो दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया, बल्कि उनको बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त करा कि अकबर क्या चाहते हैं और हमें इन रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं अपनाना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में बहुत लिखा और अच्छे से इस चीज को बताया। शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, चलो अब यहां से देखते हैं 1589 में क्या हुआ। 1589 में अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक काम करा, 13 वर्ष तक। इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार किए, और यह इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरण, शासकीय दस्तावेज तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा जो था वो 13 साल तक लिखे गए थे, 13 साल तक लिखा। इसमें बहुत सारे क्या हुआ, कई बार इसमें सुधार करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस टाइम के बारे में जानकारी देती हैं। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया। जिल्द का मतलब यहाँ पे क्या है, जिल्द का मतलब दोस्तों हम यहाँ पे बोल सकते हैं पार्ट, कहाँ चला गया, ये रहा जिल्द, जिल्द को हम बोल सकते हैं पार्ट, जैसे होता है ना पार्ट 1, 2, 3, इस तरीके से 3 जिल्दों में, 3 पार्ट में विभाजित किया, जिनमें से पहले जो दो थे वो तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, जिसमें प्रथम दो इतिहास है, यानी जो पहले दो हैं उसमें इतिहास है और जो तीसरा जिल्द है उसमें आईने अकबरी है।
पहली जिल्द से में क्या था कि आदम से लेकर अकबर के जीवन के खगोलीय कालचक्र में इतिहास है, यानी कि जो पहली जिल्द है उसमें बताया गया कि आदम समय से, बहुत पुराने समय से लेकर अकबर के जीवन के समय तक की पूरी जानकारी, मतलब उसको बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद है दूसरी जो जिल्द है उसमें अकबर के 46वें शासन वर्ष यानी 1601 पर खत्म होती है, जब 46वां शासन वर्ष हो गया था वहां पे खत्म करी है दूसरी जिल्द। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुए और सलीम के सह अपराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, सलीम के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी। अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया था। इसके साथ ही क्या है, इसमें तिथियां समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य भौतिक, भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण है। अकबर के समय की सारी बातें जो थी उन सभी का विवरण मिलता है इस बुक में, एक अभिनव तरीके से यानी एक बहुत अलग तरीके से किया गया है। आईने अकबरी जो है वो मुगल साम्राज्य को हिंदू, जैन, बौद्ध, मुसलमानों को भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करती है। यानी आईने अकबरी में ये बताया गया कि जो मुगल शासन शासन मुगल जो साम्राज्य था उसमें बहुत अलग अलग तरह के धर्मों वाले लोग रहते थे, जैसे बहुत सारे हिंदू रहते थे, बहुत सारे मुसलमान रहते थे, यहाँ पे जैन लोग भी रहते थे, यहाँ पे बौद्ध लोग भी रहते थे। इन्होंने इस तरीके से इसको बताया गया है। अबुल फजल की जो भाषा थी वो बहुत अलंकृत थी, अलंकृत का मतलब है बहुत ही अच्छी अलंकारों का प्रयोग करा गया था इसमें, सजी संवरी भाषा जो कि मतलब बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, अतः इस भाषा में लय तथा कथन शैली को भी बहुत महत्व दिया गया था। इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला था, यानी इस शैली को दरबार में संरक्षण भी मिला हुआ था। अबुल फजल का एक शिष्य था जिसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी, बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है इनको, इसने बादशाहनामा लिखी थी। इसकी योग्यता के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर, जैसे कि मतलब अकबरनामा लिखा गया था ना सेम उसी तरीके से, उसने बोला कि उसने अपने इतिहास लिखने की बात करी, अपने इतिहास लिखने के लिए इसको नियुक्त करा। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है, इसकी 3 जिल्दें यानी 3 पार्ट हैं, दफ्तर हैं, प्रत्येक जिल्द 10 चंद्रवर्षों का ब्यौरा देती है, 10 वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन के पहले 2 दशकों यानी 2 दशकों का मतलब 20 साल पर पहला और दूसरा दफ्तर लिखा, दूसरा पहला और दूसरा पार्ट लिखा है। इन जिल्दों के बाद शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया, बाद में उसने कुछ इसमें सुधार किया। बुढ़ापे की आशंकाओं की वजह से लाहौरी 3रे दशक के बारे में नहीं लिख सका, जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने लिखा। बाद में किसने लिखा था, उसके इतिहासकार वारिस ने लिखा था। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों, जब अंग्रेज थे आए थे औपनिवेशिक काल में, तो उन्होंने क्या करा, अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृति जिन पर वो लंबा शासन करना चाहते थे उसको क्या करा, उन्होंने उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहासों का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञात अभिलेखगार स्थापित करना शुरू करा। उन्होंने क्या करा कि उन्हें हम पे शासन करना था अंग्रेजों को, तो उन्होंने जो पहले भारत के इतिहास के बारे में जानकारी लेने के लिए जो अभिलेख वगैरह जो भी मिले उनके बारे में जानकारी ली, उनको पढ़ा। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। 1784 में स्थापना हुई थी किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसने क्या जिम्मेदारी ली थी कि जो भी भारतीय पांडुलिपियां मिली हैं उनको छापेंगे, अब ये प्रकाशन करेंगे और उनका अनुवाद करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, टेक्नोलॉजी आ चुकी थी छपाई वगैरह की बहुत अच्छी। अब जो था अंग्रेजों के टाइम पे पांडुलिपियां वगैरह नहीं लिखी जाती थी, वो तो बहुत पुराने टाइम पे मुगलों के शासनकाल में लिखी गई थी, अब छपाई तकनीक थी तो इन्होंने जिम्मा लिया कि इन सारी चीज़ों को दोबारा से अच्छे से छापेंगे। अकबरनामा और बादशाहनामा के संवादित पाठांतरण सबसे पहले एशिया सोसाइटी ऑफ द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए।
वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। इन्होंने क्या करा, अकबरनामा का इंग्लिश में अनुवाद करा। बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप से आज भी अनुवाद के लिए प्रतीक्षा में है। यानी कि इसका जो ओरिजिनल पाठ है ना, आज भी वो पूरे तरीके से अनुवाद के लिए प्रतीक्षा में है। यानी पूरे तरीके से उसका अभी तक अनुवाद नहीं हो पाया, कुछ ही अंशों का अनुवाद हो पाया है। ठीक है दोस्तों, तो अब मेरा टाइम हो रहा है जाने का, मैं इतना ही बना के जा रहा हूँ। अब शाम को क्या करता हूँ, इस चैप्टर को आज कंप्लीट करता हूँ और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको पसंद में आया हो तो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो कमेंट कर देना, ताकि मुझे तीसरा पार्ट बनाने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद।